गुड आफ्टरनून क्लास। बेटा आज जो हमारा टॉपिक है वो है जंतुओं में जनन। तो जनन जो है कैसी क्रिया है? एक जैविक क्रिया है बताई गई है। जनन के फलस्वरूप क्या होता है? एक नया जीव उत्पन्न होता है। और जनन की प्रक्रिया क्यों जरूरी है बेटा? अपने जैसी संतति उत्पन्न करने के लिए। अगर जनन नहीं होगा तो क्या होगा कि एक दिन सभी जो जीव हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अगर हम अपनी जैसी संतति उत्पन्न नहीं करेंगे तो जीवों का जो जीव जो हैं उनका जो वंश है वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे अब देखिए कि बेटा डायनासोर नहीं है, डायनासोर देखने को नहीं मिलते हैं आप लोगों को। क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि वो एक ऐसा आपदा में क्या हुए, सभी के सभी जीव मर गए। तो अब नए जीव उत्पन्न नहीं हो रहे हैं तो वो हमें देखने को भी नहीं मिल रहे हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी संतति आगे बढ़ती जाए तो जनन ही ऐसी जैविक क्रिया है जिसके द्वारा नया जीव उत्पन्न हो सकता है। अब बात करते हैं कि जनन के प्रकार। बेटा जनन जो है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में क्या अंतर है बेटा? लैंगिक जनन जो है उसमें जो जीव उत्पन्न होता है उसके लिए हमें दो जीवों की आवश्यकता होती है। तो दो जीवों की आवश्यकता होती है, कौन कौन से? नर और मादा, दो लिंग चाहिए, उसी से लैंगिक जनन के जीव उत्पन्न हो सकते हैं। अब आती है अलैंगिक जनन की बात। तो अलैंगिक जनन में क्या होता है बेटा? सिर्फ एक ही जीव होता है और एक ही जीव नया जीव उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त होता है। आप अपनी क्लासेस में पढ़ चुके हैं लैंगिक जनन करने वाले पौधों में नर और मादा जननांग होते हैं। बेटा बहुत सारे पुष्प ऐसे होते हैं जो एक लिंगी होते हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें दोनों ही लिंग पाए, दोनों ही जननांग पाए जाते हैं, जो सामान्यतः पादप के फूल यानी पुष्प में स्थित होते हैं। गुड़हल का जो होता है, हमारा गुड़हल का जो फूल होता है उसमें ये दोनों प्रकार के जो हमारे क्या कहते हैं जननांग हैं वो पाए जाते हैं। उसके चित्र के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं और आप उसको ढूंढिएगा, उसके चित्र के बारे में जानिएगा। अब आती है बात जंतुओं की। तो जंतुओं में भी नर और मादा अलग अलग जननांग होते हैं। तो अब इसमें हम डिटेल में ये जानेंगे कि बेटा जो जनन अंग हैं मादा के और किसके, नर के, वो जननांग कौन कौन से होते हैं और इन जननांगों में क्या होता है। तो जननांगों का मुख्य जो कार्य है वो युग्मक का निर्माण होता है। अब ये युग्मक कैसे बनता है? ये युग्मक संतुलित होकर युग्मनज का निर्माण करते हैं, यानी नर युग्मक के शुक्राणु और मादा युग के अंडाणु। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, प्लस का साइन दिख रहा है ना बेटा आपको बीच में, इसका अर्थ ये है कि जब ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो युग्मनज का निर्माण होता है। और युग्मनज के बाद वो क्या कहते हैं, बढ़कर आगे पूरा मैच्योर होकर एक नया जीव उत्पन्न करता है। तो यह युग्मनज भ्रूण में, फिर भ्रूण से एक नए जीव में विकसित होता है। नर और मादा युग्मनों द्वारा संलयन, बेटा इस प्रक्रिया को कहते हैं हम संलयन। ऊपर खिसका ना, चलिए बेटा अब हम जानते हैं नर के जनन अंगों के बारे में। तो बेटा नर जनन अंग का आपको डायग्राम दिख रहा है, ये आप ये डायग्राम में देख सकते हैं बेटा। तो इसमें क्या है, एक जोड़ा वृषण का है आपको ये जो गोल गोल दिख रहा है यहाँ पर। तो ये जो गोल जोड़ा है बेटा ये वृषण का है, एक जोड़ा वृषण, दो शुक्राणु नलिकाएं जो जिनसे शुक्राणु निकलते हैं। देखिए ये शुक्राणु नलिका है दोनों तरफ। इसके बाद है एक शिशन, शिशन जो है सेंट्रल पार्ट जो है इसको कहते हैं शिशन का। तो अब ये देखिए इन जो मेन तीन पार्ट्स हम पढ़ रहे हैं इनके क्या क्या कार्य हैं। तो जो वृषण हैं शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन जो है नामक हार्मोन का उत्पादन करते हैं। लाखों शुक्राणु वृषण द्वारा निर्मित होते हैं। यह एक कोशल एकल कोशिका की तरह है, लेकिन इनमें गुणसूत्रों की संख्या सामान्य कोशिका से आधी होती है। हालांकि शुक्राणु आकार में बहुत छोटे होते हैं, प्रत्येक में एक सिर होता है बेटा, एक मध्य मार्ग होता है और एक पूंछ होती है। ये साइड में आप डायग्राम देख सकते हैं, पहले मैं इसको हटा देती हूँ, क्लियर हो जाएगा। हाँ जी देखिए, अब ये सिर है शुक्राणु का, ये मध्य का भाग है और ये पूंछ है। ये जो पूंछ होती है इसको बैलेंस बनाने में मदद करती है और जिसकी वजह से ये काफ़ी आगे बढ़ने में इसको मदद मिलती है, क्योंकि इसको शुक्राणु को बेटा मूव करना पड़ता है अंडाणु से मिलने के लिए। तो इसमें आपने देख लिया है कि इसके डायग्राम से इसमें क्या क्या इसके जो है सब पार्ट्स होते हैं। पूंछ सांप की तरह आगे और पीछे शुक्राणु को अंडे की ओर ले जाने के लिए होती है। शुक्राणु को गर्भाशय और फ्लोपन ट्यूब तक पहुंचना होता है।
तो बेटा फ्लोपियन ट्यूब तक पहुंचने के लिए युग्मनज बनाने के लिए वहाँ पर डिम्ब के साथ इसको निषेचन होना होता है। तो बेटा आज जो हमने बेसिकली जाना है जनन के दो रूपों के बारे में, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के बारे में, और हमने ये जाना कि जो नर जनन अंग होते हैं उसके कितने पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट्स का क्या कार्य होता है। चलिए बच्चों, अब हमने पढ़ लिया वर्कशीट का कंटेंट, अब करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। देखिए इसमें टोटल 5 आसान से प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपकी वर्कशीट में, जनन को परिभाषित करें, लैंगिक और अलैंगिक जनन के बीच अंतर लिखिए। तो जनन एक जैविक क्रिया है जिसमें एक नया जीव उत्पन्न होता है, ये तो होगी इसकी परिभाषा या इसका अर्थ। और लैंगिक जनन एक नए जीव की उत्पत्ति के लिए दो जीव, नर और मादा दोनों आवश्यक हैं। अलैंगिक जनन एकल जीव एक नए जीव की उत्पत्ति के लिए पर्याप्त है। ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी वर्कशीट में है, लैंगिक जनन को परिभाषित करें, क्या यह पौधों में होता है? तो आप लिखिए, लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों का होना आवश्यक होता है, कुछ पौधों में भी लैंगिक जनन होता है। ये पहला वाला जो पूछा है ये बता दिया लैंगिक जनन के बारे में, और ये पौधों में होता है कुछ में, ठीक है। तो ये लिख देंगे आप प्रश्न नंबर 2 के उत्तर में। प्रश्न नंबर 3 में आपको नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है, तो इस तरीके से आप चित्र बना देंगे, आपके गूगल पे भी आपको मिल जाएगा, या आप इस तरीके से भी बना देंगे। ये आपकी शुक्रवाहिका, प्रोटेक्ट ग्रंथि, मूत्रमार्ग, अभिश्रम, इधर आपकी मूत्रवाहिनी, वीर्यपटुका, स्तंभ उत्तक, ये सारा आपको गूगल पे मिल जाएगा, चाहे आप इसमें से बना लें, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है, नर युग्मक का क्या नाम है, इसका निर्माण कहाँ होता है? तो नर युग्मक का नाम शुक्राणु है, इसका निर्माण वर्षण में होता है। तो ये हो गया आपके प्रश्न नंबर 4 का एकदम सही सही उत्तर। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5 क्या है। दिए गए कथनों में से सही या गलत लिखिए। तो संक्राणु एक एकल कोशिका नहीं है, तो संक्राणु एक एकल कोशिका नहीं है, ये इसका हो गया आपका, मतलब ये आपका सही है, ठीक है। और ये आपका वर्ष और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन करते हैं, तो वर्षण संक्राणु टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करते हैं, तो ये आपका गलत है, ठीक है। तो ये आप इसमें सही या गलत किस में लिख देंगे, जो पहले वाला आपका है इसको लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है बच्चों, इसमें आप सही लिख देंगे और इसमें आप गलत लिख देंगे। तो बच्चों ये थी आज की आपकी जो साइंस की वर्कशीट, आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी, आपको अच्छा लगा होगा पढ़ाया हुआ। तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप नए आए हैं, डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना। और आपको वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।